कर्मों की सजा, जीवन बदलने वाली कहानी। एक आदमी था, वह बहुत बूढ़ा था। बूढ़ा होने की वजह से कोई काम नहीं कर पाता था कि जीविका कमा पाए। न जाने किन कर्मों की वजह से आज उसका ये हाल था कि वो रोज घर घर जाकर भीख मांगकर गुजारा करने पर मजबूर था। वह भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज़ लगाता, और जब घर का मालिक बाहर आता तो उसे गंदी गंदी गालियां और ताने देता। वह बोलता, मर जाओ, काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख मांगते रहोगे, हमने क्या यहाँ पैसों का पेड़ लगा रखा है। या खैरात बांट रही जो रोज मुंह उठाए चले आते हो, कभी कभी गुस्से में उसे धकेल भी देता, पर भिखारी बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था, शायद व्यापार में घाटा हुआ था। वो भिखारी उसी वक्त भीख मांगने आ गया। सेठ ने आओ देखा ना ताओ सीधा उसे पत्थर दे मारा। भिखारी के सर से खून बहने लगा। फिर भी उसने सेठ से कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वहां से जाने लगा। सेठ का थोड़ा गुस्सा कम हुआ तो वह सोचने लगा, मैंने उसे पत्थर से भी मारा पर उसने बस दुआ दी, इसके पीछे क्या रहस्य है, जरूर इसकी लाइफ में कुछ तो घटना हुई है, जानना पड़ेगा। इतना सोच सेठ भिखारी के पीछे चलने लगा। भिखारी जहाँ भी जाता सेठ उसके पीछे जाता। कहीं कोई उस भिखारी को कोई भीख दे देता तो कोई उसे मारता, जलील करता, गालियाँ देता, पर भिखारी इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अब अंधेरा हो चला था, भिखारी अपने घर लौट रहा था, सेठ भी उसके पीछे था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी खाट पे एक बुढ़िया सोई थी जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं, और ये आपका सर कहाँ फूट गया। भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही, किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियाँ दी, पत्थर मारे, इसलिए ये सर फूट गया। भिखारी ने फिर कहा, सब अपने ही पापों का परिणाम है। याद है ना तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम कितने रईस हुआ करते थे, क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी दान नहीं किया। याद है तुम्हें वो अंधा भिखारी। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हाँ, कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे उसे रोटियों की जगह खाली कागज रख देते थे, कैसे हम उसे जलील करते थे, कैसे हम उसे कभी कभी मार और धकेल देते थे। अब बुढ़िया ने कहा, हाँ सब याद है मुझे, कैसे मैंने भी उसे राह नहीं दिखाई और घर के बने नाले में गिरा दिया था। जब भी वो रोटियां मांगता मैंने उसे गालियां दी, एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया, और वो अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे, मैं नहीं। आज उस भिखारी की बद्दुआ और हाय हमें ले डूबी। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितनी भी जायती क्यों ना हो जाए, मेरे लब पर हमेशा दुआ रहती है। मैं अब नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ देता हूँ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं वो क्या पाप कर रहे हैं, जो सीधा ईश्वर देख रहा है। जैसी हमने भुगती है कोई और ना भुगते, इसलिए मेरे दिल से बस अपना हाल देख दुआ ही निकलती है। सेठ चुपके चुपके सब सुन रहा था, उसे अब सारी बात समझ आ गई थी। बुढ़िया ने आधी रोटी को दोनों ने मिलकर खाया और प्रभु की महिमा है बोलकर सो गए। अगले दिन वह भिखारी भीख मांगने सेठ के घर पर गया। सेठ ने पहले से ही रोटियां निकाल कर रखी थीं। उसने भिखारी को दी और हल्की सी मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ करना बाबा, गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वो वहां से चला गया। सेठ को एक बात समझ आ गई थी, इंसान तो बस दुआ बद्दुआ देते हैं, पर पूरी तो वो ईश्वर ही करता है, वो भी कर्मों के हिसाब से। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे हमारे कर्म हमें
किस तरह की जिंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो, कभी किसी का बुरा मत करो। ईश्वर आपकी खुशियों को बनाए रखेगा, बड़े बड़े दुख मुसीबतें आपके जीवन से टल जाएंगे।